हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अलर्ट नो अलर्ट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर दोस्तों आपको यूट्यूब पे महेश श्रीपाल पंडोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, और दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में आज हम जानने वाले हैं स्टैटिक जीके में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला दोस्तों हमारा फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो दोस्तों यदि हम फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करें तो दोस्तों ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। ये बात हमको याद रखना है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, ठीक है। ये भी हमको याद रख के चलना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस खोज के लिए इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बात करें दोस्तों किसको मिला है, तो दोस्तों ये मिला है, पहला नंबर आपको याद रखना है, हार्वे जे ऑल्टर, जो दोस्तों अमेरिका के हैं, और दोस्तों चार्ल्स एम राइस, ये भी दोस्तों अमेरिका के हैं, और माइकल ह्यूटन ब्रिटेन। याद रखना दोस्तों ह्यूटन है, विशेष याद रखना, ह्यूटन रॉन्ग लिखा हुआ है, माइकल ह्यूटन ह्यूटन ब्रिटेन के हैं दोस्तों, ये बात याद रखना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो तीन लोगों को दिया गया है। किस किस को दिया गया है? पहला है हार्वे जे ऑल्टर जो अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के हैं, माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के हैं, ये विशेष याद रख लेना है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है हमेशा पेपर पर दोस्तों, तो विशेष आपको याद रखना है, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटेन, किसका दोस्तों? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2020। बात करें दोस्तों नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो फिजिक्स की बात करें हम दोस्तों, भौतिकी की बात करें तो दोस्तों ये किसके लिए दिया गया, मतलब किस खोज के लिए दिया गया दोस्तों? तो ब्लैक होल के बारे में उनकी खोज के लिए दिया गया। किसके लिए दोस्तों? याद रखना है, ब्लैक होल के बारे में उन्होंने जो दोस्तों खोज की थी उसके लिए भौतिकी का इस साल 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखना है हमको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल के बारे में उनकी खोज के लिए, तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, इसी तरह से हम याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं किस किस को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 का। बात करें दोस्तों फर्स्ट नंबर पर है हमारे रोजर पेनरोज, याद रखना रोजर पेनरोज कहाँ के हैं दोस्तों? ब्रिटेन यूके के हैं, आपको विशेष याद रखना है। नेक्स्ट हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे हैं रीन हार्ट जेंजेल जर्मनी, इनको भी दोस्तों मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। और एंड्रिया घेज आपको याद रखना है कहाँ की हैं दोस्तों? यूएसए की हैं, ये विशेष याद रखना है। ये भी याद रखना है दोस्तों हैं कहाँ की, ये भी जरूरी याद रखना है। तो फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की हम बात करें 2020 के दोस्तों, तो तीन लोगों को दिया गया है। किसकी खोज के लिए दिया गया है? ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है। तीन लोगों को दिया गया है, किन किन को दिया गया है? रोजर पेनरोज जो यूके के हैं, रीन हार्ट जेंजेल जर्मनी की हैं, और एंड्रिया घेज यूएसए की हैं, विशेष याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, नेक्स्ट देखें दोस्तों हम, तो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की हम बात करें दोस्तों, तो किसको दिया गया है? सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे किस क्षेत्र में दिया गया है, तो दोस्तों जीनोम एडिटिंग एक विधि के विकास के लिए दिया गया है इस साल का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। आपको याद रखना है जीनोम एडिटिंग एक विधि के विकास के लिए याद रखना है, जीनोम एडिटिंग आप इतना याद रख लेना दोस्तों। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है दोस्तों? तो ये मिला है एम्यूनियल कारपेंटियर, जो कहाँ के हैं दोस्तों याद रखना है, फ्रांस के हैं, केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम। जेनिफर ए डूडेना आपको याद रखना है कहाँ की हैं दोस्तों, ये यूएसए की हैं, याद रखना है। तो दोस्तों याद रखना है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, एम्यूनियल कारपेंटियर फ्रांस की हैं जो, और दूसरे नंबर पे हैं जेनिफर ए डूडना जो कहाँ की हैं, यूएसए की हैं, याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखें हम दोस्तों शांति पीस की यदि बात करें, पिछले साल बहुत न्यूज़ में था दोस्तों और हर पेपर में पूछा गया था, शांति पीस की बात करें हम दोस्तों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है दुनिया भर में भूख से और खाद्य सुरक्षा से निपटने के प्रयासों के लिए दिया गया है दोस्तों इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार। पीस की हम बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों दुनिया भर में भूख से निपटने के लिए, तो दोस्तों किसको दिया गया इस साल का शांति पुरस्कार? विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP जिसको कहते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसको WFP कहते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम याद रखना है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर की बात कर लें कि विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात WFP का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों रोम में है, इटली रोम में है, आपको विशेष याद रखना है। तो दोस्तों शांति की बात कर लें तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम, देखते हैं साहित्य लिटरेचर की बात करें, साहित्य की बात करें दोस्तों, साहित्य में
के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया है, साहित्य लिटरेचर की बात करें तो दोस्तों ये दिया गया है लुईस ग्लक। आप याद रख लेना दोस्तों, लुईस ग्लक कहाँ के हैं दोस्तों, ये विशेष याद रख लेना, यूएसए के हैं लुईस ग्लक, है ना, याद रखना है। लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो लुईस ग्लक को दिया गया है, यूएसए के हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे है दोस्तों हमारा अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो दोस्तों किस लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑक्शन नीलामी थ्योरी में सुधार और ऑक्शन करने के नए आविष्कार के लिए। तो जो दोस्तों नीलामी होती है, जो उसने जो थ्योरी थी उसमें उन लोगों ने सुधार किया है और नीलामी के नए आविष्कार भी उन लोगों ने किए हैं कि और नीलामी को किस तरह से किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया किस क्षेत्र में दिया गया है, लेकिन किसको दिया गया है, तो दोस्तों फर्स्ट नाम है पॉल आर मिलग्रोम को और नेक्स्ट हैं रॉबर्ट बी विल्सन, दो लोगों को दिया गया है, याद रख लेना है आपको, है ना, इकोनॉमिक्स का दो लोगों को दिया गया है। किसके क्षेत्र में दिया गया है, तो दोस्तों ऑक्शन के क्षेत्र में दिया गया है और दो लोगों किसको दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, आपको याद रखना है, इन दो लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।